अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉलर्स की कंप्लीट रेफ्रिजरेटर्स की रेंज। इनमें कौन कौन से साइज़ आते हैं, कौन कौन से मॉडल आते हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं। तो व्यूअर्स, इसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने गाइड किया था जिसकी रिसेंट लॉन्च की गई रेंज थी, लेकिन अक्सर मैं कमेंट्स में बताते थे आप लोग के कंप्लीट साइज़ों के बारे में गाइड नहीं किया गया, लेकिन इसमें हमने प्रॉपर एक साइज़ के बारे में बताया गया है कि कौन सा मॉडल किस साइज़ के अंदर आता है, उसकी प्राइस क्या है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में जो प्राइस बताने जा रहे हैं वो प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है, हर एरिया के हिसाब से वो वैरी कर सकती है। आपको इससे जो है अराउंड 2 से 3 हज़ार कम भी मिल सकती है, 2 से 3 हज़ार ज़्यादा भी मिल सकती है, वो आपके एरिया के हिसाब से वो प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो है इसका जो मॉडल नंबर है वो है 9122। तो ये 9122 के अंदर 9122 FP आ जाता है, ये विदाउट लॉक आता है, और इसके जो फ्रंट पे है फ्रीजर बॉक्स के अंदर आपको एक जाली मिल जाती है। तो व्यूअर्स, ये 175 लीटर 175 लीटर के अंदर आता है, और इसकी जो प्राइस है ये आपको मिल जाता है अराउंड 32,000 रुपये के। इसी में जो है ये दूसरा आ जाता है 9122 MDS, इसमें जो है आपको बाहर लॉक मिल जाता है और फ्रीज़र में 2 जालियाँ मिल जाती हैं आपको। तो सेम कैपेसिटी है 175 लीटर के अंदर, और व्यूअर्स ये आपको मिल जाता है अराउंड 34,000 रुपये के। इसी में नेक्स्ट आ जाती है 9122 EDS, ये एक हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आ जाती है। कंपनी के मुताबिक इसमें 4 दिन तक ये कूलिंग को बरकरार रखती है, और सेम कैपेसिटी के साथ आ जाती है 175 लीटर्स के अंदर, और इसमें भी डबल जानी आ जाती है फ्रीज़र बॉक्स के अंदर और लॉक के साथ आ जाती है। व्यूअर्स, ये आपको मिल जाती है अराउंड 37,000 रुपये के। इसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आ जाती है जो हमारे पास है वो है 9144 9144। तो व्यूअर्स, इसमें 2 तरह की आती हैं, एक आती है वाइट बॉडी, एक आती है सिंपल। तो ये सिंपल के अंदर आ जाती है, विदाउट लॉक के साथ आ जाएगी, और इसकी भी फ्रीज़र में जो है एक जाली आ जाएगी। तो व्यूअर्स, इसकी जो कैपेसिटी है ये 205 लीटर 205 लीटर के अंदर आती है, और ये विदाउट लॉक के अंदर आ जाती है, ये आपको मिल जाती है अराउंड 34,000 रुपीज़ के। और व्यूअर्स, सेम इसी के अंदर जो है अगर आप MDS मॉडल लेते हैं इसके अंदर 9144 के अंदर, तो इसमें जो है ऊपर आपको 2 जालियाँ मिल जाती हैं फ्रीज़र बॉक्स के अंदर, और साइड पे जो है आपको फ्रंट पे लॉक मिल जाता है। व्यूअर्स, ये आपको अराउंड 35 से 36,000 के अराउंड ये आपको इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट इसी के अंदर जो है आ जाता है 9144 LVS मॉडल, ये एक LVS मॉडल है, ये 135 वोल्ट से वर्क करते हैं, इसमें जो है आपको नो नीड फॉर स्टेबलाइजर आ जाता है। तो व्यूअर्स, सेम कैपेसिटी आ जाती है इसके अंदर जो है 205 लीटर, और इसकी जो प्राइस है ये आपको अराउंड 39,500 रुपीज़ के मिल जाता है। तो व्यूअर्स, इसके बाद एक दूसरा मॉडल आता है इसमें MDS के अंदर, वो है 9144 WB, वो वाइट बॉडी के अंदर आ जाता है। इसमें जो है जो चौड़ाई है, जो इसकी विड्थ है और डेप्थ है वो बढ़ जाती है, ये 208 लीटर्स के अंदर आ जाती है, और इसमें जो है नीचे है आपको जो है रेफ्रिजरेटर बॉक्स के अंदर 3 जालियाँ मिल जाती हैं। ये व्यूअर्स अराउंड आपको 37,000 के अराउंड मिल जाती है। व्यूअर्स, नेक्स्ट इसमें ये मॉडल आता है, ये है 9150, ये एक सिंपल के अंदर आ जाता है, और इसकी जो कैपेसिटी है 256 लीटर के अंदर आ जाती है। इसमें फ्रीज़र की स्पेस जो भी है आपको जो अच्छी मिल जाती है, और ये 256 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, लेकिन इसमें व्यूअर्स में जो है लॉक नहीं मिलता आपको, और इसकी जो प्राइस है वो है 40,500। सेम इसी के अंदर आपको जो है ग्लास डोर भी मिल जाता है, ये इसी के अंदर ग्लास के अंदर आ जाता है, कैपेसिटी सेम रहती है 256 लीटर, और ये 9150 GD ग्लास डोर के अंदर आ जाता है। व्यूअर्स, ये जो है आपको अराउंड 43,000 रुपीज़ के मिल जाता है। इसी में व्यूअर्स जो नेक्स्ट मॉडल आ जाता है हमारे पास वो है 9166 WB, वाइट बॉडी, वाइट बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जो है आपको स्पेस एक अच्छी स्पेस मिल जाती है, ये व्यूअर्स जो है आपको 288 288 लीटर के अंदर मिल जाता है, और इसकी जो प्राइस है वो है 43,000। इसमें जो है आपको फ्रंट पे लॉक भी मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी के अंदर मिल जाता है। तो इसी में अगर हम बात करें LVS की, मॉडल नंबर सेम रहता है 9166 WB, और ये लो वोल्टेज ऑपरेशन के अंदर आ जाता है, 135 वोल्ट से वर्क करता है, ये भी सेम कैपेसिटी के अंदर आता है 288 288 लीटर के अंदर। व्यूअर्स, इसकी जो प्राइस है ये आपको मिल जाता है अराउंड 45,500 रुपीज़ के। तो व्यूअर्स, इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कुछ ही अर्सा पहले लॉन्च किया है रिफ्लेक्शन सीरीज़ के अंदर इन्वर्टर 9166 WB के अंदर, तो ये एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर आ जाता है। इसमें जो है स्टेबलाइजर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली से सोलर वगैरह पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल ग्लास के अंदर आ जाता है, तो व्यूअर्स कैपेसिटी सेम रहती है इसकी, अंदर से इसमें जालियाँ ही रहती हैं, बाहर से डोर्स जो हैं आपको ग्लास के मिल जाते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है 288 लीटर्स आ जाती है, और ये आपको मिल जाता है अराउंड 49,000 रुपीज़ के। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट इसी में आ जाता है 9173,
तो व्यूअर्स, ये डॉलर्स की रिसेंटली लॉन्च की गई सीरीज़ के अंदर है और उन्होंने इसी के अंदर ये कुछ ही अर्सा पहले लॉन्च किए मॉडल 9173। ये ई क्रोम के अंदर आ जाता है और इसमें जो है आपको जालियों के फ्रंट्स पे कवर नहीं मिलते और ये एक तो लो वोल्टेज नहीं है और नंबर दो इसमें आपको हाइब्रिड कूलिंग का ऑप्शन नहीं इसमें अवेलेबल होता। तो लॉक इसमें मिल जाता है आपको व्यूअर्स, ये जो है आपको अराउंड 47,500 रुपीज़ के मिल जाती है। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो आपको 328 लीटर के अंदर मिल जाती है। इसी में एक दूसरा मॉडल आता है 9173 क्रोम, तो इसमें जो है आपको हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है और 135 वोल्ट से वर्क करती है। इसमें जो है आपको फ्रंट जो जालियाँ वगैरह उसके कवर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स ये आपको अराउंड 49,500 के मिल जाती है 328 लीटर कैपेसिटी के साथ। इसी में जो है ये ग्लास डोर के अंदर आ जाती है, इसमें बाहर भी आपको जो है डोर्स ग्लास के मिल जाते हैं। तो अगर हम अंदर से देखें तो इसमें जो है व्यूअर्स आपको अंदर से भी मुकम्मल ग्लास मिल जाता है। तो व्यूअर्स इसकी जो प्राइस है ये आपको मिल जाती है अराउंड 54,000 के अराउंड आपको ये मिल जाती है। तो इसी में व्यूअर्स ये एक आ जाता है इवांटे प्लस 9173 इवांटे प्लस, ये सेम आ जाती है ग्लास, इसके अंदर भी ग्लास मौजूद है और बाहर भी जो है डोर्स आपको ग्लास के मिल जाते हैं। ये एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर आ जाता है और व्यूअर्स ये आपको मिल जाता है अराउंड 56,500 रुपीज़ के। तो व्यूअर्स इसी में जो है एक दूसरा मॉडल आता है 9175 EDS, ये एक हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आ जाता है और इसकी जो कैपेसिटी आ जाती है वो 350 लीटर्स के अंदर आ जाता है ये अराउंड। तो ये जो व्यूअर्स आपको मिल जाता है अराउंड 50,000 के मिल जाता है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें 9178 क्रोम के बारे में, इसकी जो कैपेसिटी आ जाती है 353 लीटर्स के अंदर आपको मिल जाती है, अंदर भी मुकम्मल जालियाँ आ जाती हैं और ये एक हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी और लो वोल्टेज के साथ आपको मिल जाती है। व्यूअर्स ये आपको अराउंड 52,500 रुपीज़ के मिल जाती है। अगर आप इसी में जो है क्रोम की जगह अगर आप ई क्रोम परचेज करते हैं तो वो आपको अराउंड 50,000 के मिल जाती है। तो व्यूअर्स अगर हम इसमें बात करें इसी में ग्लास डोर की, तो वो जो है आपको अराउंड 56,500 रुपीज़ के मिल जाती है और इसमें जो ग्लास इन्वर्टर है वो आपको 62,000 के अराउंड मिल जाती है। तो नेक्स्ट व्यूअर्स इसमें बात कर लेते हैं हम लोग 9191 क्रोम के बारे में। व्यूअर्स ये क्रोम के अंदर दिया गया है, सिंपल है, बगैर ग्लास के अंदर आ जाता है और अंदर से जो है आपको इसमें मुकम्मल जो है वो जालियाँ इसके मिल जाती हैं। तो व्यूअर्स इसकी जो कैपेसिटी है वो 438 लीटर 438 लीटर आ जाती है। इसकी जो प्राइस की अगर बात करें तो आपको 57,000 के अराउंड मिल जाती है। अगर हम इसी में सिंपल इन्वर्टर की बात करें विदाउट ग्लास के अंदर ये इन्वर्टर आ जाएगा, बाहर आपको इसमें हैंडल मिल जाते हैं और यहाँ पे क्रोम की ट्रिमिंग मिल जाती है और अंदर जो है इसके मुकम्मल जो है ग्लास की शेल्स मिल जाती हैं आपको। प्राइस देखें तो इसकी जो है 61,500 रुपीज़ में मिल जाती है। इसी में नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ग्लास के बारे में, 9191 ये ग्लास के अंदर आ जाती है। इसमें जो है आपको अंदर भी ग्लास दिया गया है और बाहर भी जो है मुकम्मल ग्लास मिल जाता है, शेल्स मुकम्मल फ्रीज़र में और रेफ्रिजरेटर दोनों में ग्लास की मिल जाती हैं। तो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो व्यूअर्स ये जो है आपको अराउंड 64,500 रुपीज़ के मिल जाती है। तो व्यूअर्स अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये सेम वही कैपेसिटी के अंदर आ जाती है 438 लीटर के अंदर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं इसी में ये 9191 एवांटे प्लस, ये एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर आ जाता है, सेम वही कैपेसिटी रहती है 438 लीटर, ये आपको जो है अराउंड 69,500 रुपीज़ के मिल जाता है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं 9193 के बारे में 9193। तो व्यूअर्स ये क्रोम के अंदर आ जाता है, तो इसमें जो है आपको बाहर से भी सिंपल मिलती हैं और अंदर से भी जो है आपको जालियाँ मिल जाती हैं। तो व्यूअर्स अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 467 लीटर के अंदर आपको इसकी कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर इसकी जो है हम प्राइस की बात करें तो व्यूअर्स ये जो है आपको अराउंड 60,500 रुपीज़ की मिल जाती है और इसी में जो है ये ग्लास के अंदर आ जाती है, एवांटे सीरीज़ आ जाती है। अगर हम इसके ग्लास की प्राइस की बात करें तो ये आपको जो है अराउंड 66,000 के अराउंड मिल जाती है। तो व्यूअर्स अगर हम इसमें सिंपल जो है उसके इन्वर्टर की बात करें तो आपको अराउंड 64,000 के अराउंड मिल जाती है। तो व्यूअर्स अगर इसी में हम ग्लास इन्वर्टर की बात करें तो ये ग्लास इन्वर्टर आ जाता है 9193, कैपेसिटी वही सेम रहती है इसकी, एवांटे प्लस आ जाता है और ये जो है आपको अराउंड 72,000 के मिल जाता है। तो व्यूअर्स हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 9199 9199 के बारे में, इसकी जो कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये 569 लीटर्स के अंदर आपको मिल जाती है। तो ये एक सिंपल मॉडल है, क्रोम सीरीज़ के अंदर आ जाता है, अंदर भी जालियाँ दी गई हैं और बाहर से भी ये सिंपल के अंदर आ जाता है। तो व्यूअर्स अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको अराउंड 69,000 की मिल जाती है और अगर हम इसी में सिंपल इन्वर्टर की बात करें तो आपको जस्ट 1,000 के डिफरेंस से मिल जाती है 70,000 रुपीज़ के। तो व्यूअर्स अगर हम इसी में ग्लास डोर की बात करें 9199 के अंदर, तो वो आपको अराउंड 72,000 की मिल जाती है
और अगर हम इसी में ग्लास डोर इन्वर्टर की बात करें तो वह आपको अराउंड 80,000 के मिल जाती है। तो व्यूवर्स, अगर ये जितने भी जो रेफ्रिजरेटर थे, जो न्यू सीरीज आ रही हैं, जो आगे कंटिन्यू हैं, ये उन सब की प्राइसेस का ओवरव्यू था। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।